हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह आपको सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में हेल्प करेगा। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर 1। केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें हम दो सब्सटेंसेस या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को लेते हैं और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मे बी सेम भी हो सकती हैं, इट्स नॉट नेसेसरी, बट ऑलमोस्ट डिफरेंट ही होती हैं। एंड इट कांट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड सच एज फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफिकेशन एटसेट्रा, डिस्टिलेशन में भी, और बहुत सारे प्रोसेस हमने 9th क्लास में पढ़े थे। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट जो है वो या एटम है वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है एटम्स की एक केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसमें हम लोग जैसे लिखा हुआ है ए और बी, ये मैंने दो सब्सटेंसेस ले लिए हैं जिन्हें मैं रिएक्टेंट बोल रहा हूँ, मतलब जो दो या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं पार्टिसिपेट करते हैं एक रिएक्शन में सब्सटेंसेस, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो हमें फॉर्म होकर मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, जो कि ए बी यहाँ पे मिला है। हाँ, तो ये लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर इनकी डेफिनेशन है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट की द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट्स हुए हमारे, और इनको रिएक्ट करके यहाँ पे हीट ले रहा हूँ मैं, हीट से मतलब रिएक्ट करवा रहा हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। केमिकल रिएक्शन सुन के सबको ऐसा लगता है कि मतलब लैबोरेटरीज में ही वो रिएक्शंस होती हैं, मतलब साइंटिफिक लैबोरेटरीज में, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि सोरिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सब प्रोसेसेस से आप लोग फैमिलियर होंगे, अगर नहीं भी तो हम आगे वाले कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें इनका डिस्कस होगा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो फीचर्स जिनसे आप बता सकते हैं कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये कुछ पांच मैंने लिखी हैं, आपके एनसीईआरटी में चार दी हुई हैं, प्रेसिपिटेशन वाली नहीं है, बट इट विल बी, मतलब इट मे बी इंक्लूड बिकॉज ये आपके सिलेबस में है, आप थोड़ा आगे जाके इसे पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर। एक नोट है, देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस विच कैन शो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसा नहीं है कि एक केमिकल रिएक्शन सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगी या दो दिखाएगी, हो सकता है वो एक से ज़्यादा दिखाए। जैसे कि आप कुकिंग करते हैं, तो कुकिंग में आप वाटर ऐड करते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, तो देखते हैं कि आपने वाटर ऐड किया, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में, और लास्ट में ज़रूरी नहीं है वो पानी बचे, आप उसे पूरा भाप बन के उड़ा सकते हैं। तो भाप जो बन के निकल रही है उसे आप इवोल्यूशन ऑफ गैस में काउंट कर सकते हैं, और आपने जो वाटर डाला था बाद में वो आपको वाटर नहीं मिला, तो चेंज इन स्टेट, और आप एक टेम्परेचर अप्लाई करते हैं गैस से, गैस स्टोव से, तो चेंज इन टेम्परेचर। तो ये नोट आपको क्लियर हुआ। नाउ द केमिकल रिएक्शन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय राइज इन टेम्परेचर इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच मीन्स हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। इसका मतलब है वो रिएक्शंस जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे कि पहले ऐसा होता था, पेंट जो होता था वो घरों में तो सफ़ेदी होती थी, उसे मतलब चूना बोलते हैं, लाइम, स्लेग लाइम, तो उसको पानी के संग ऐड किया जाता था और रात भर रखा जाता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब हीट प्रोड्यूसिंग है लिखा हुआ है जैसा कि, तो बहुत टेम्परेचर वहाँ का आसपास बढ़ जाता था और उसे पेंट में यूज़ किया जाता था। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल था, जो स्लेट लाइम और वाटर को मतलब मिलाकर हम लोग करते थे। और नेक्स्ट है द केमिकल रिएक्शन विच इज कैरेक्टराइज बाय फॉल इन टेम्परेचर, उसे कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब है वो रिएक्शंस जो कि हीट को एब्जॉर्ब करें, हीट एब्जॉर्ब, जो कि आप कुकिंग में देखते हैं, हम हीट अप्लाई करते हैं गैस स्टोव से और वो एब्जॉर्ब करके हमें प्रोडक्ट देती है। केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन से हम लोग क्या समझते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक और फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। सिंबल्स क्या हैं, फॉर्मूले क्या हैं, ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। एक यहाँ से हम थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये रहा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एलिमेंट की फॉर्म और फॉर्मूला, ऐसा कुछ मतलब सिंबल या फिर फॉर्मूला कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम ऐसी इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन कहते हैं।
जिंक का फॉर्मूला हमको पता है, जिंक का सिंबल सॉरी, जिंक का ZN होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 और जिंक सल्फेट का ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस का H2। तो अगर हम इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो ये इस तरीके से लिखा जाता, ZN प्लस H2SO4 गिव राइज टू H2 ZnSO4 प्लस H2, ये रिएक्टेंट्स हैं एंड देन प्रोडक्ट्स। ये जो एरो है इसका मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड कर रहा है, इसे हम इसलिए गिव राइज टू करके पढ़ते हैं। एक नोट है लास्ट, अ केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब एक केमिकल रिएक्शन बहुत लंबा प्रोसेस भी हो सकती है और बहुत छोटा प्रोसेस भी हो सकती है, बट उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको एक सिंपल एक फॉर्म में दिखाना, जैसे बताया था सिंबॉलिक और फॉर्मूलों का यूज़ करके, उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसलिए लिखा हुआ शॉर्ट हैंड मैथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। सो ये पार्ट इसी के साथ एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शंस क्या होती हैं और बैलेंस अगर नहीं है तो उन्हें कैसे बैलेंस करना है वो सीखेंगे पार्ट टू में। थैंक यू फॉर व्यूइंग आवर चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द अपडेट्स। थैंक यू।